क्योंकि मुझे अपनी एयर फ्रेशनर करवानी थी एक और। और ये कितने ज्यादा प्यारे लग रहे ना। स्पेयर सिंह पे बाबा ने मुझे बहुत डांटा है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी काशिफ खान, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। YouTube vlog. So yes, आज का vlog भी interesting होने वाला है as usual. मेरा हर video जो होता है वो बहुत ज़्यादा interesting होता है. So खैर अभी मैं तैयार होने लगी हूँ, lens मैंने लगा ली. Then I suddenly realized कि यार मुझे vlog का intro बनाना है. तो खैर अभी मैं होंगी तैयार, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे बाहर, because मैंने कहा कि यार इतना टाइम मेरे घर 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 हो रहा है, कहीं बाहर चलते थोड़ी सी आउटिंग करते, थोड़ा सा दिमाग सेट हो जाएगा. तो इस वजह से मैंने प्लान किया है आज बाहर जाने का. आप सब भी मेरे साथ हमेशा की तरह जाएंगे. So, full vlog जरूर देखना है. Let's get ready. Oh, I am totally ready, guys. और full green and white मैंने पहना हुआ है. और सच बताऊँ तो ये combination करने का कब से wait कर रही थी, और ये dress मुझे मिलके नहीं दे रहा था. तो खैर फिर मैंने online order किया, मुझे बहुत ही प्यारा सा मेरा favorite trouser मिल गया. मैचिंग के ही इयररिंग्स, मैचिंग की शर्ट, हर चीज़. तो अब बस क्लासेस पहनते हैं. टाइम मैंने इस तरह की ड्रेसिंग की है. सो यस, लेट्स गो. मानी हाय, गो. हम लोग जो हैं वो पहुंच चुके हैं लकी वन गाइस, और आयरा का बर्थडे है. मम्मा सुला दिया आपने बच्चे को? खुद ही सो गई. लो भाई, इसकी बर्थडे और वो मोहतरमा ही सो गई, जिसकी वजह से हम आए हैं. हमने कहा चलो यार आयरा को लेके कहीं घूमने चलते हैं. तो हमने फिर प्लान किया लकी वन आते हैं, यहाँ पे झूले वगैरह झूलेंगे. यू नो हम कहाँ जा रहे हैं. वो ना गाना लगा हुआ था तो मटक रही थी बहुत, मुझे लगता थक गई. बच्ची के बारे में आयरा डांस कर रही थी गाने सुन सुन के. खैर हम ऊपर जाएंगे, उसको हम उठा देंगे, तब हम चलते हैं. सुकून हुआ है ना देख के कि आज लकी वन में रश नहीं है बिल्कुल भी, वरना हमेशा रश भरा रहता था. हमारी नज़र पड़ी है एयर फ्रेशनर जहाँ पर होती है, तो हमने सोचा अपनी गुड़िया आयरा की करवा देते हैं, क्योंकि इतने टाइम से हमें करवानी थी और अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पा रही थी. इसलिए हम रुके हुए थे कि जब रबीका की होगी नोज पेसिंग तब हम साथ में आयरा की करवा देंगे. लेकिन मैंने कहा कि अभी नोज पेसिंग में टाइम है, आयरा की करवा दें. मैं चाहती हूँ कि वो गानों में बहुत प्यारे प्यारे से टॉप. अम्मा ये वाला ऊपर का काम छिपवा दो, छिपवा रही थी ये अच्छा लग रहा है ये छोटा. दिस वन चुन्ना फुन्ना. आज क्योंकि रश नहीं है तो मैं मास्क उतार रही हूँ, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है. मैं सोच रही मैं भी अपना छिदवा लूँ यार, लेकिन डर लग रहा है कि दर्द ना हो. यार दर्द तो होता ही, जब ऐसी जिंदगी में इतने दर्द मिल जाते हैं तो ये दर्द क्या चीज़ है आयरा की जो है वो एयर फ्रेशनर होने जा रही है. और आयरा अभी सो के उठी है. आयरा मजा आ जाएगा, आराम से करिएगा प्लीज. मार देखो छिद भी गया. पहले आयरा को लेकर आयशा भी बैठी हूँ तो आयरा को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था. फिर मुझे बिठाया, मैंने बहुत मुश्किल से आयरा को पकड़ा हुआ था, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था. लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें अच्छी से हो गई थी. लेकिन आयरा बहुत ज़्यादा रो रही थी, लेकिन खुशी इस बात की थी कि फाइनली उसकी एयर पेसिंग हो गई है. ये और खैर जिस तरह से इसको पकड़ा है ना, मैं जानती हूँ. यहाँ पे हमारी राइड का कार्ड जो है वो बन चुका है, आप हम लोग जाएंगे अंदर. भैया तुम भी खेल सकते हो ना. कोको वंडरलैंड में छोड़ के हम लोग आ गए हैं. क्योंकि मुझे अपनी एयर फ्रेशनर करवानी थी एक और, एक्चुअली एक ये हुई भी है एक ये हुई भी है, मुझे एक और करवानी है. सो इस वजह से मैं ये डिसाइड किया. पहले मेरा इरादा था कि दोनों कानों की मैं मतलब करवाऊँगी एयर फ्रेशनर, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि आप ये वाला और ये वाला करवा लें एक ही कान का. तो अब मम्मा ने इजाज़त दे दी है, वापस से मैंने पूछा नहीं था. लेकिन यार अच्छा लगेगा, एक ही कान में मैं पहनूंगी. जल्दी से करवाते हैं, आई एम स्केर्ड गाइस. इस कान का मैं करवा रही हूँ क्योंकि मेरी ये वाली साइड अच्छी है, लेफ्ट साइड, तो तभी मैं लेफ्ट एयर का करवा रही हूँ. डर लग रहा है. नहीं ऐसा लगेगा किसी ने चुटकी भरी है. चुटकी रोल चाहिए बस. अच्छा 1 2 3 4 मत बोलना, आप कर देना.
2000 years later. So finally it's done. Tada! और ये कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे ना. दोनों में मुझे equal पहनो. मतलब सही था, okay था. जितना मैं डर रही थी उतना कुछ भी नहीं था. खैर अब हम लोग जाते हैं कि हम उसी के लिए आए थे. ये तो बस एडिशनल थिंग हो गई है, तो अब बस चलते हैं. प्यारा सा बोला, इतना क्यूट लग रहा है. माशाल्लाह माशाल्लाह. रोलर कोस्टर में बैठ रहे हैं गाइस. हमें बेल्ट लगाने से मना कर दिया है. अब जो भी होगा ना उनकी जिम्मेदारी है. सुन रही है ना, उज़ैन को डर लग रहा था इसलिए उज़ैन आया नहीं. और मैं फर्स्ट टाइम मोबाइल लेके बैठी हूँ, मुझे डर लग रहा है. मेरा फोन मुझे बहुत अजीब है से. हमने रोलर कोस्टर राइड ली और बंद हो गया है बिकॉज हम लोग लेट आए थे यार. चलो खैर एटलीस्ट ले तो लेना, वैसे भी सर में दर्द हो रहा है. तो हम कुछ खाएंगे, लेकिन कुछ खाने से पहले मैं लूँगी यहाँ पे अपनी प्यारी प्यारी सी पिक्चर्स. भैया मेरी अच्छी अच्छी पिक्चर दे दो अंधेरे में ताकि मेरा आउटफिट अच्छा आए. फुल ग्रीन के शेड्स पहने हुए हैं. हील्स मेरी ग्रीन है, नियॉन पैंट है, ये अलग ग्रीन शेड है, इयररिंग्स का अलग शेड है. आयरा की जिंदगी बहुत मस्त है गाइस. आराम से प्राम में बैठी हुई है और इसको कोई पकड़ के इस तरह से लेके चले. मैयो मैयो नहीं चलती मोहतरमा, पर हमें चलना पड़ता है. आउटफिट के साथ ही सोफा भी मैच हो गया. आज हमारा बहुत ज्यादा दिल चाह रहा पिज्जा खाने का, तो फिर मैंने कहा चलो यार पिज्जा खाने चलते हैं. वाला पिज्जा मंगवाया है जिसमें कोई ज्यादा लवाजमात नहीं है, सिर्फ चिकन है और अनियन है बस. जी मोहतरमा, जी जी आप ठीक कह रही है. जी बिल्कुल. महिरा आप कौन सा चाहिए आपको? दिस वन. चलो लो. महिर हसन खान जो है वो आज तो खाने में हर चीज स्पेशल आ रही. मतलब पिज्जा ऑर्डर किया तो उन्होंने डबल चीज कर दिया. हमने यहाँ पे ब्रेड ऑर्डर नहीं की तो हमने ब्रेड ऑर्डर कर ली. अब ये पास्ता आ गया गर्मा गर्म चीज़ी वाला. ओ हो हो हो. गाइस मेरी गुड़िया के अब्बा आ गए हैं और इसके अब हम एयर पेसिंग दिखाएंगे इनके अब्बा को. अब्बा को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है किसने करवा ली है और उनको ये भी नहीं पता कि इतने सुकून से बैठी थी. ओए राहिल मामा इधर आए. सरप्राइज आपके लिए. इधर आए आए सरप्राइज. आयरा के कान देखें. गाइस मैं फ्रेश हो चुकी हूँ, फेस वॉश वगैरह कर लिया है और मेरे यहाँ ना कान में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है. हाथ लगाते हुए डर लग रहा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि लोशन लगाते रहना है, आपको खुद ही ख्याल रखना है, इसको प्लीज़ हल्के में मत लीजिएगा. तब मैं बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रही. मैंने लोशन जो है वो अप्लाई किया और मुझे लोशन जो है वो अप्लाई करते रहना है जैसे मैं अपनी दवा अप्लाई करती हूँ. आयरा की भी अप्लाई करते रहना. आयरा आयरा की मम्मा आपको ख्याल रखना है इसका. जो है वो रज जगह लगा हुआ है. ये नवाब साहब सुनते नहीं है किसी की, वो नवाब साहब भी इनका रज जगह लगा ही रहता है भाई. यकीन नहीं करोगे अभी बजे सुबह के 6 और यहाँ पे हमारे रूम में पूरा हो रहा है रज जगह. सलाम स्लीपिंग टाइम. फाइनली सुबह. ओ गॉड गाइस इतना लेट हो गया, सुबह भी हो चुकी है और मुझे अभी ब्लॉग भी एडिट करना है और आज दावत भी है घर में. खैर आप लोग को एक और बात बताती हूँ, ये इस पेयर सिंह पे बाबा ने मुझे बहुत डांटा है. मैं वो कैप्चर नहीं कर पाई बिकॉज उस वक्त डांट पिट रही थी, तो बाबा से मैंने पूछा नहीं था, मैंने करवा ली छुपी थी. तो बाबा ने मुझे बहुत ज़्यादा डांटा, लेकिन चलो खैर अब तो हो गई है. मैंने बाबा को ये तक बोला कि अब मैं इसको बंद करवा लेती हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब इतना इमोशनल नहीं करना होता ना. खैर प्लीज़ जो भी काम, खैर अब जो हुआ सो हुआ, मैंने करवा लिया शौक में, लेकिन चलो खैर क्या पछताए हम. वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. बहुत सारा प्यार बरसाओ और स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग. कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.
बाय।